आईपीएल में पंजाब ने चेन्नई को लगातार पांचवी बार हराया। टीम प्लेऑफ रेस में कायम। जॉनी बेयरस्टो ने 46 रन बनाए। पीवीकेएस के चाहर बरार को दो दो विकेट। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 के 49वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया है। ये इस लीग में पंजाब की चेन्नई पर लगातार पांचवी जीत है। टीम ने मौजूदा सीजन में पहली बार लगातार दूसरा मैच जीता है। इस सीजन के साथ ही पंजाब ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी हैं। टीम 2 अंक लेकर 7वें नंबर पर आ गई है। पंजाब के पास 4 जीत के बाद कुल 8 अंक हो गए हैं। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में बुधवार को पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 17 ओवर 5 बॉल में 3 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। हरप्रीत बरार प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने अपने कोटे के 17 रन देकर 2 विकेट लिए। बात करें रोचक फैक्ट की तो पंजाब ने चेन्नई को आईपीएल में लगातार पांचवी बार हराया है। टीम को चेन्नई 2021 के सीजन से नहीं हरा सकी है। एमएस धोनी मौजूदा सीजन में पहली बार आउट हुए हैं। वे पिछली 7 पारियों में नाबाद रहे। प्लेयर्स परफॉर्म की बात करें तो गायकवाड़ की 50, बेयरस्टो रूसो की उपयोगी पारियां। सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 48 बॉल पर 62 रन बनाए। उन्होंने सीजन में 4th अर्धशतक जमाया। गायकवाड़ के अलावा अजिंक्य रहाणे ने 29 और समीर रिजवी ने 21 रन का योगदान दिया। हरप्रीत बराद और राहुल चार ने 2-2 विकेट लिए। कगिसो रबाड़ा और अर्शदीप सिंह को 1-1 विकेट मिला। पीवीकेएस के ओपनर जॉनी बेयरस्टो ने 46 और रायली रूसो ने 43 रन की अहम पारियां खेली। कप्तान सैम करन 26 और शशांक सिंह 25 रन पर नाबाद लौटे। शार्दुल ठाकुर, रिचर्ड ग्लीसन और शिवम दुबे को 1-1 विकेट मिला। अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। होम ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी रही। ओपनर्स ने 64 रन की साझेदारी की, लेकिन बाद के बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके। मिडिल ओवर में स्लो बैटिंग, दुबे 0 पर आउट। चेन्नई ने मिडिल ओवर में स्लो बैटिंग की है। टीम के बैटनर्स ने बीच के 8 ओवर्स में 3 विकेट खोकर महज 35 रन बना सके। शिवम दुबे 0 पर आउट हुए। बीच के 9 ओवर्स कोई बाउंड्री नहीं आई। पावर प्ले के बाद टीम की पहले से बाउंड्री 56 गेंद बाद आई। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्का मारा। और देर से आई रन चेंज में बैटिंग आसान मैच के दौरान ओस देर से आई। ऐसे में ड्राई पिच पर पंजाब के स्पिनर्स को खूब मदद मिली। फिर ओस के कारण पिच बैटिंग के लिए आसान होती चली गई। चेन्नई की पारी में ओस ज्यादा होने के कारण चेन्नई के बेअसर हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।